दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 और बेसिक कॉन्सेप्ट उसके मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। 2 मिनट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुरंत आ जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी 3 तो इतने ईजी है ना कि क्या बताऊं। तो 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन था जो पिछले साल की थी। बिलीव नहीं करोगे, मैंने पुरानी टेक्स्ट बुक के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, इसलिए इतना एक्सपीरियंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन बहुत इजी है तो उनको फटाफट कर लेंगे और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। तो गाइस, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, असल में इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। जब सर्कल्स टच करते हैं तो कैसे थ्योरम लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, वो सब की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा हो, मतलब ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, वैसे तो ये सर्कल लग नहीं रहा है, फिर भी समझ लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ए बी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना रहेगा, दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना रहेगा। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो गाइस, अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब बाहर बाहर से टच कर रहे हैं, तो क्या थ्योरम लगेगा, मतलब उनके बीच का हम लोगों को सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन 3 मार्क का आया था बोर्ड में, सब बच्चे लटक गए थे। मैं भी ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला किया था। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, दोनों के सेंटर का बीच का जब हम लोगों को डिस्टेंस निकालना रहेगा तो वो निकालेंगे R1 + R2 से। R1 + R2 कैसे, अगर ये समझ लो 4 है, ये 5 है, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालने बोलेगा, 9 आ जाएगा। अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये किसके लिए है, इफ सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला है, ठीक है, वरना पता चला कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली रीड ही नहीं करते, यही फॉर्मूला लगा देते, आंसर रॉन्ग आ जाते, गया मार्क्स। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, इफ सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, आप बोलोगे सर सर्कल्स इंटरनली भी टच करते हैं, नहीं टच करते क्या, डोंट वरी, अभी फिगर बना के दिखाता हूं। ये हो गया पहला सर्कल, ठीक है, इसके अंदर ये मैंने दूसरा सर्कल बना दिया, अब ये सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट हो गया, वैसे ये पंखा जलने वाला पंखा हो गया, ठीक है। तो इसका सेंटर समझ लो ये है बड़े वाले का, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे बड़े सर्कल के रेडियस से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालेगा। देखो कैसे, ये बड़े सर्कल का रेडियस, ये छोटे सर्कल का रेडियस, मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस जो है उनके बीच का वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, मतलब क्या, इसमें से अगर मैं ये हटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मतलब यहाँ पे R1 - R2 लगेगा। तो डिस्टेंस अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू mod R1 - R2। मॉड क्यों ले रखा है, क्योंकि कभी कभी आपको आंसर आएगा 4, 5 रहेगा, आप 4 - 5 कर दोगे, आंसर लिख के आ जाओगे -1, तो इसलिए मॉड लगा लो। अगर ये मॉड में रहेगा तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 2.5 में सीखा है, 2.4, 2.5 जिसमें भी सर्ट्स वाले चैप्टर में, तो मॉड में से जब भी माइनस नंबर आता है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो वो चीज याद रखो। लेकिन अगर मॉड नहीं लगाना है, नहीं यूज करना चाहते, जीरो है तुम्हारी, तो पहले 5 लिखना बाद में 4 लिखना, मतलब यहाँ पे 5 - 4 लिखना तो आंसर बनाएगा। वैसे भी डिस्टेंस निकालते समय बड़े में से छोटे को माइनस करते, छोटे में से बड़े को नहीं माइनस करते। तो ये 2 थ्योरम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। बच्चों का सवाल है यार, इसमें क्या बोला है कि R1 3.5 है, नो सर्कल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट करना है, और R2 है 4.8, और सर्कल कैसे टच कर रहा है, पहले लिखेंगे 2 सर्कल्स, ये लिखने के बाद लिखेंगे 2 सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, और इंटरनली टच कर रहे तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, देयरफोर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू R1 - R2 का मॉड। मॉड क्यों लिया, ताकि वैल्यू नेगेटिव है तो भी चले, तो 3.5 - 4.8, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही ज़ूम किया है, तो आंसर आ जाएगा -1.3, बाहर आएगा तो 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है।
और मॉड नहीं लगाना चाहते तो 4.8 में से 3.5 को माइनस करना और ऐसे लिख देना 4.8 माइनस 3.5 आंसर आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम लोग मॉड रखते हैं। ठीक है, और अगर मॉड नहीं समझ में आता है तो क्या काम करो, R1 को ये कर लो, R2 को ये कर लो, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। बस ये याद रखना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में लिखना। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है, दो रेडियाई है, पहला रेडियाई है 5.5 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियाई है 4.2 सेंटीमीटर एंड टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। अब की बार कहां से टच हो रहे, अब की बार एक्सटर्नली टच हो रहे। ठीक है, एक्सटर्नली टच हो रहे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अगर एक्सटर्नली टच हो रहे तो मॉड वर्ड का कुछ चक्कर है नहीं, डायरेक्ट लिखो R1 प्लस R2, 5.5 प्लस 4.2, आंसर आ जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। इजी है, समझ में आया, अच्छा लगा। चलिए अब ये लिख लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और वो भी ऐसा ही है। ठीक है, आई होप वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो चलो करा दूंगा, डोंट वरी, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, रीड करिए। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर, मतलब R1 है 4 सेंटीमीटर और R2 है 2.8 सेंटीमीटर, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक जब वो इंटरनली टच कर रहे हो और दूसरा जब वो एक्सटर्नली टच कर रहे हो। ठीक है, उल्टा बोल दिया, एक एक्सटर्नली टच कर रहे हो, दूसरा इंटरनली टच कर रहे हो, और हम लोगों को फिगर भी बनाना है, तो पहले एक्सटर्नली का लिखते हैं और बनाते हैं। टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं जब, तो क्या होगा, तो फिगर भी बनाना है, तो थोड़ा यहां से लिखो, देयरफॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2.8, आंसर आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। देखो कैसे, ये पहला सर्कल आप लोग बनाना, राउंडर लेना, राउंडर में 4 सेंटीमीटर का मेजर रखना, यहाँ पे राउंडर का नोक, यहाँ पे वो 4 सेंटीमीटर वाली पेंसिल, फिर घुमा देना, फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ पे वो पेंसिल रखना और राउंडर की सुई को ऐसे घुमाना स्केल पे, फिर 2.8 कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से ऐसा सर्कल बनाना, तो ये हो जाएगा आपका सर्कल साथ टचिंग एक्सटर्नली वाला। ठीक है, ऐसे बनाना है, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2.8, समझ में आया। अब दूसरा करते हैं, व्हेन सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, जब सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हो तब क्या करना है भाई, तब आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का फॉर्मूला चेंज होगा बस, और फिगर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2.8, तो आंसर मिल जाएगा 2.8, आंसर मिल जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। बनाना कैसे है, पहले यहाँ पे राउंडर की नोक रखना, 4 सेंटीमीटर मेजर करना, ठीक है, तो इस तरीके से आपका सर्कल बन जाएगा, फिर पेंसिल राउंडर का नोक, सॉरी आपको जो पेंसिल है, पेंसिल आपको यहाँ पे रखना है और राउंडर के नोक से 2.8 सेंटीमीटर कहीं यहाँ मेजर करना है, फिर पेंसिल की नोक यहाँ रख के ऐसे घुमाना है, तो ये आपका सर्कल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक टेंजेंट चाहिए तो बना देना, थोड़ा सुंदर दिखता है ना। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करना है, लिख लीजिए, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 4। आपको देखने में हार्ड लगेगा 4 और 5, बट कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो करने में मजा आएगा। चलिए 4 और 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ, रीड करिए। आप भी कभी गुस्सा हो जाते होगे, क्या यार बोर्ड पे नहीं लिख सकता, बार बार स्क्रीन पे लिखाते हो, चलो कोई नहीं, स्क्रीन पर ही देखो, दिख रहा है ना। चलिए, द सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू, सर्कल का सेंटर पी और क्यू है, वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, और प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि AP पैरेलल टू BQ है। ठीक है, तो पहला हम लोगों को प्रूफ करना है, दैट इज AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ। ठीक है, तो पहला है सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, सेगमेंट AP BQ के तब पैरेलल आएगा, अब पिछले साल का सेकंड चैप्टर का पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट याद करो। ठीक है, तो अगर को पैरेलल लाइंस में एक थ्योरम हुआ करता था, और कई सारे एंगल्स होते थे, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल में क्या होता था कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट आ जाता था, सेम वही अगर लाइन पैरेलल है एंगल कॉन्ग्रेंट आ जाता था, और साथ ही ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो इस तरीके का जेड बन रहा है, तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट आएगा, और यहाँ पे भी जेड बन रहा है, तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट आएगा, तो उसका कन्वर्स क्या होता है कि एंगल कॉन्ग्रेंट आ गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, बस एंगल को कॉन्ग्रेंट लाना है, लाइन पैरेलल कर देनी है। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रेंट लाएंगे, सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल APR, थोड़ा बड़ा सम है इसलिए आपको हार्ड लगेगा, इन ट्राइंगल APR सेगमेंट AP कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR, क्यों भाई क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, इतना नहीं समझते हो। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है,
और अगर एंगल सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलस ट्राइंगल हुआ मतलब एंगल पी ए आर जो होगा वो इक्वल होगा एंगल पी आर ए के, इक्वल टू एक्स, इसको दे दो नंबर वन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो बाय आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम। चलिए ये हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल आर क्यू बी, आर क्यूब में देखें तो सेगमेंट क्यू आर एंड सेगमेंट बी क्यू, सॉरी कॉन्ग्रेंट लिखो, कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट बी क्यू, और यहाँ पे लिखो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। फिर ये हो जाएगा एंगल बी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू एक्स, इसको दे दो नंबर टू, सेम प्रॉपर्टी कॉपी कर लो। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, मतलब मैं अगर पी ए आर को आर बी क्यू के कॉन्ग्रेंट बताऊं, ये हो गया पी ए आर, ये हो गया आर बी क्यू जो क्यू बी आर लिखा हुआ है, तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी क्योंकि आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा। देयरफॉर एंगल पी ए आर विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू बी आर, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, एक और दो से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब यहाँ पे लिख दो एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर आर पेयर्स ऑफ, आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, इसके हैं ये अल्टरनेट एंगल्स के। देयरफॉर सेगमेंट ए पी पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट बी क्यू के, और लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। चलिए इस तरीके से लिखना है, लिख लीजिए, इसको बहुत इजी है। तो गाइस दूसरा प्रूफ करना है कि एपीआर ट्राइंगल जो है वो आरबी क्यू के सिमिलर है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एंगल्स को कॉन्ग्रेंट बताया था, उसको नाम वन और टू दिया था, तो हम लोग दो एंगल को कॉन्ग्रेंट बताएंगे, ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। देखो कैसे, पहले लिखेंगे एंगल पी ए आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर बी क्यू, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम वन एंड टू, जैसा कि हम लोगों ने प्रूफ किया था। और एंगल ए आर पी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल बी आर क्यू के, ये क्यों होगा, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद आया पिछले साल सीखा था। ये नहीं समझ में आया तो आप लोग ए इसको और इसको ए पी आर और आर क्यू बी को अल्टरनेट एंगल से बता दो, ठीक है, वो भी चलेगा, वहां पे भी लिख देना फ्रॉम वन एंड टू। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट तो होगा नहीं क्योंकि एंगल की बात हो रही है, सिमिलर हो जाएगा आर बी क्यू के, और यहाँ पे लिखेंगे ए ए टेस्ट। चलिए सिमिलर हो गया, अब सिमिलर हो गया और क्या करना है, हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है आर क्यू बी फाइंड करो अगर पी ए आर 35 है, मतलब ये अगर 35 डिग्री है तो आर बी आर क्यू बी कितना होगा, आर क्यू बी मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी 35 डिग्री होगा, और ये तब फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, पहले लिखेंगे एंगल पी ए आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर बी क्यू, वाई अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स लिखो या फिर फ्रॉम वन एंड टू लिख दो, वो भी चलेगा। देयरफॉर एंगल जो आर बी क्यू है वो हो जाएगा 35 डिग्री, ये आ गया 35 डिग्री, ठीक है। अब 35 डिग्री ये मिल गया, और ये भी एक्स है हम लोगों का, क्योंकि ये भी इसके और इसके ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ये भी 35 हो जाएगा। एंड एंगल बी आर क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये क्यों हुआ, बाय आइसो ट्राइंगल थ्योरम। अब इन ट्राइंगल आर बी क्यू लगा दो, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल लगा दो, आंसर आ जाएगा इन ट्राइंगल आर क्यू बी एंगल आर एंगल क्यू एंगल बी, या फिर तीन लेटर्स में लिखो क्योंकि तीन लेटर्स में दिया है, ठीक है। एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बी आर क्यू कितना निकला है 35, आर बी क्यू कितना निकला है 35, ये वाला 35 निकला है, और आर क्यू बी हम लोगों को फाइंड करना है, ये हो गया 180, 35 70 प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 70 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल आर क्यू बी आ जाएगा 110 डिग्री। था ना बहुत इजी, कितना इजी था, देखो दो मिनट में प्रूफ कर दिया। इस तरीके से इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने, लिख लीजिए, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 5, वो तो और भी ज्यादा इजी है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है, लिख लीजिए इसको। नंबर 5 में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि इन अ फिगर 3.28 द सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली तो टच कर रहा है लेकिन इसमें एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट अलग है। देखो लाइन सी डी इज अ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है, विच टचेस द सर्कल एट सी एट डी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, हमें इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। अगर रेडियस जो है सर्कल का रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 और 6 उसमें बोला है, बट हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि छोटे वाले का 4 होगा, बड़े वाले सर्कल का 6 होगा, सीधी सी बात है।
तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस तो बना है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का रेडियस और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का रेडियस, ये हो जाएगा सॉरी 4 और ये हो जाएगा 6। पहले सर्कल का दोनों रेडियस 6 होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, दूसरे सर्कल का दोनों 6 होगा। जानते हो ना, एक सर्कल में कितना भी रेडियस बना दो, सर्कल सेम तो उसका रेडियस भी सेम है, ठीक है। वैसे सर्कल लग नहीं रहा, बट कंसीडर कर लो। चल अब हम लोगों को लेंथ सीडी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोग बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा कि कब कंस्ट्रक्शन करना है, कब नहीं करना है, कब बिना करे पता करना है। ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पूरा हो जाएगा कि आप देखते ही बता दोगे कि इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग समझो चीजों को, जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा। देखो समझता है कैसे, देखो ये आपको दिया है तो आपको सीडी फाइंड करना है, तो सीडी फाइंड करने का कोई रास्ता है नहीं यहाँ पे, तो सीडी को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड तो कर नहीं सकते, तो सीडी को हमें इनडायरेक्टली फाइंड करना होगा। इनडायरेक्टली मतलब क्या, दूसरा थ्योरम लगा के। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, वैसे तो ये अभी से ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है, दिख रहा है ये सिर्फ, असली में नहीं रहेगा, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करो तो टेक्स्ट बुक में पैरेललोग्राम नहीं दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, ये पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसा 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 एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, मुझे इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिला हुआ है और इससे मुझे ये मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा, समझ लो ये मिल गया 3, ये मिल गया 4, तो मुझे ये मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम लग रहा है, ठीक है। बातें करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया आपको बताने में, डायरेक्ट हम लोग अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे, शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे जहां से हम लोगों को करनी चाहिए, मीन्स वी विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी, ठीक है। यहां पे देखो हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ये लाइन सी एम, इसको नाम दे दो एम, ठीक है मोहम्मद। तो इस लाइन को अभी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और तो कुछ इसका करना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उससे जो फिगर बन रहा है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखो ये क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो ये हो जाएगा डी एम सी, तो ये है 90 डिग्री। इवेंचुअली आप बोलोगे कि ये है, बट असल में 90 डिग्री ये है, ये कुछ इस तरीके का आना चाहिए। इवेंचुअली आप लोग सही से देख नहीं पा रहे हो, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, मतलब ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री डी, ये हो गया एम, ये हो गया सी, पहला वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, सेकंड वाला डायग्राम एकदम करेक्ट है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो गाइस अब देखिए, अब मुझे किसी तरीके से डीएम मिल जाए और मुझे सीएम मिल जाए तो मैं फाइंड कर लूंगा। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है ड्रॉ लाइन सीएम पैरेलल टू लाइन ए बी, देयरफोर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम की साइन है, आपको पूरा पैरेललोग्राम लिखना है। नाउ ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये 4 हो गया, तो एम बी भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, ये पैरेललोग्राम हो गया, देयरफोर साइड ए सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू साइड एम बी, कॉन्ग्रेंट टू साइड एम बी, यहाँ पे क्या रीजन डालेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट की साइन, ये पैरेललोग्राम आपको पूरा लिखना है, अपोजिट भी पूरा लिखना है। देयरफोर जो साइड एम बी है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एम बी 4 मिल गया और ये पूरी लेंथ जो है वो 6 है, तो 6 में से 4 माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये पूरा जो डी बी है वो पूरा 6 है, एम बी 4 है, तो 6 में से 4 माइनस करूंगा तो मुझे डीएम मिल जाएगा। डीएम क्यों चाहिए, पाइथागोरस के लिए आई एम पी है, तो देखो निकालते हैं डीएम, तो डी बी डी इज इक्वल टू बी एम प्लस एम डी, हमें क्या चाहिए, हमें एम डी चाहिए, एम डी जेड, तो बी डी है हम लोगों का 6, बी एम है हम लोगों का 4, अभी हम लोगों ने निकाला, और एम डी हमें मालूम करना है, तो 4 यहाँ जाके माइनस होगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू एम डी, तो मुझे एम डी की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो ये मुझे मिल गया 2 सेंटीमीटर, जी हाँ सेंटीमीटर। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने एम डी निकाल लिया, अब हमें चाहिए सी एम, सीएम निकालने के लिए हमें ए बी से इसको अपोजिट कर देंगे तो हम लोगों को सीएम मिल जाएगा, बट ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी को 4 + 6 करेंगे 10 हो जाएगा, तो सीएम भी 10 हो जाएगा, बट ए बी को 10 करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हो एट पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई लिख दो, जरूरी वैसे है नहीं, ठीक है। अब क्या लिखोगे, देयरफोर डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ए बी। आर वन है 4, आर टू है 6, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मुझे ए बी भी मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे सीएम निकालना है, ए बी से जस्ट अपोजिट कर दूंगा तो ये सीएम भी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं, अभी इसकी जरूरत है क्योंकि अभी सीएम भी इसमें लिखेंगे तभी करेंगे, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, मैं यहां लाइन खींच देता हूं, थोड़ा बहुत इंतजाम अभी करना पड़ता है। चलो यहां लिखेंगे साइड ए बी कॉन्ग्रेंट टू साइड सीएम ...... रीजन में क्या लिखोगे सेम, ठीक है, ये वाला रीजन यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर साइड सीएम कितना हो जाएगा, साइड सीएम हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 मिल गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, सीडी अब निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। नहीं निकाल सकते हो, निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सीएमडी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है वो भी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह भी चाहिए। इन ट्रायंगल सीएमडी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, ये भी आपको लिखना जरूरी है, वरना जब आउट ऑफ आएगा ना तो जबरदस्ती गलतियां ढूंढेंगे, सर मेरा आउट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है मत लिखो। तो ये हम लोगों को अभी सीएम मिल गया, सीडी निकालना है, पाइथागोरस लगा दो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये हो जाएगा डी के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस डीएम स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब सीएम स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, सीडी स्क्वायर मतलब 4, सीडी स्क्वायर फाइंड करना है, डीएम स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्योंकि वो 2 निकला है, तो ये 100 हो गया, ये सीडी स्क्वायर प्लस 4 हो गया, 4 यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो 96 इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर हो गया, रूट ले लो तो सीडी इज इक्वल टू रूट 96। 96 का रूट निकालना नहीं आता है सर, सीख लो, 96 डिवाइड करो इसको 2 से 48, फिर 2 से डिवाइड करो 24, फिर 2 से डिवाइड करो 12, फिर 4 से डिवाइड कर दो 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो 1, तो ये 2 2, 3 बार 2 आया है, 1 बार 4 आया है, 1 बार 3 आया है, तो यहाँ पे लिख दो रूट 3 बार 2 आया है, फिर से 2 बार 2 आया है, 4 को हम लोग 2 बार 2 लिख लेते हैं, 1 2 2 2 बाहर आ गया, मतलब इसका आंसर आ गया 4√6, क्योंकि 2 3 6 अंदर रह गया और 2 2 मिलके बाहर आ गए, तो सीडी की लेंथ हो गई 4√6 सेंटीमीटर, 4√6 सेंटीमीटर। और आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करने के लिए 4 को अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 4 24 24 4 96, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। इस तरीके से इस सम को करना है। तो गाइस इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज एक साथ करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 का। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए।